क्या आपको भी समझ नहीं आता लड़कियों को क्या चाहिए, उन्हें कैसे खुश रखा जाए? अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं जो कंफ्यूज्ड है कि उनको कैसे खुश करें, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि हम लड़कियों को क्या चाहिए अपने हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड से, हम कैसे खुश होंगी और हम क्या उम्मीदें करते हैं आप लोगों से। आज की वीडियो में करेंगे इस बारे में बात। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नाउ सबसे पहली चीज जो हर एक लड़की, चाहे वो गर्लफ्रेंड है चाहे वो वाइफ है, जो उम्मीद करती है अपने पार्टनर से, वो है रिस्पेक्ट। ये हम लड़कियों की टॉप प्रायोरिटी होती है कि हमें कुछ मिले ना मिले बट रिस्पेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, और इस एक चीज के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हम लोग। अगर कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ जाता है, अगर पार्टनर ऐसा हो जो इज्जत नहीं देता, तो फिर जो लड़कियों का बिहेवियर है ना, वो भी फिर नेगेटिव निकल के आता है, वो भी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि उनको ये नहीं अच्छा लगता कि उनका पार्टनर उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। सो लड़कियों की अपनी गर्लफ्रेंड और वाइफ की रिस्पेक्ट ज़रूर करें, ये टॉप चीज़ है जो लड़कियों को चाहिए ही चाहिए। दूसरा, हर एक लड़की ये उम्मीद करती है कि उसको सुनने वाला कोई हो। देखिए, लड़कियां चाहे कम बोलने वाली हो ज़्यादा बोलने वाली हो, बट बोलती तो है ही ना, दिल का कनेक्शन उनको चाहिए। एक टाइम वो होता है जहाँ मन में ऐसा होता है कि यार बस मेरा पार्टनर मेरे साथ में हो, मैं बातें करूँ और वो सुने, और सिर्फ कानों से नहीं दिमाग से सुने, मीन्स अपना 100% मुझे दे। ये जो चीज़ है ना, वो लगभग हर एक लड़की को चाहिए अपने बॉयफ्रेंड और हस्बैंड से। सो प्लीज़ अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, उसको तसल्ली से प्यार से सुनिए कि उसके मन में क्या चल रहा है, ये ज़रूरी है आपके लिए। थर्ड चीज़, हर एक लड़की चाहती है कि उसको उसका पार्टनर मनाए। देखिए, रूठ ना हम लड़कियों के नेचर में होता है, हम बहुत जल्दी रूठ जाती हैं क्योंकि बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, बहुत जल्दी हमें कोई चीज़ें चुभ जाती हैं, और वो रूठना ऐसा नहीं होता कि हमें बस नफरत हो गई है सामने वाले से, नहीं, वो रूठना ऐसा होता है कि भाई बस थोड़ा सा मैं दुखी हूँ, यू नो। तो लड़कियों को चाहिए कि उनका पार्टनर उनको कभी कभी पैम्पर करे, बहुत प्यार से मना ले, थोड़ा प्यार दिखाए, अगर कोई गलती हो गई है तो वो प्यार से कन्विंस कर ले, कभी सॉरी बोल दे, यू नो जो लाड होता है ना, जो माँ बाप दिखाते हैं, वो लाड चाहिए लड़कियों को, वो हमेशा नहीं बट कभी कभी तो ज़रूरी है आपके लिए कि वो लाड दिखाना, वो प्यार दिखाना, वो खूबसूरत, जैसे हम बच्चे को मनाते हैं, इस तरीके से अपनी वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड को मनाना ज़रूरी है। ये हर एक लड़की चाहती है अपने पार्टनर से। अगली चीज़ जो ख़ास करके है हस्बैंड्स के लिए जिनकी शादी हो गई है, आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी वाइफ को पैसे के नाम पर कभी नीचा ना दिखाएं। ये चीज़ें बहुत चुभती हैं एक लड़की को, जब उसका जो पति है बार बार इस चीज़ का एहसास करवाता है कि वो तुम्हारे घर में रह रही है, वो तुम्हारे टुकड़ों पे पल रही है, तुम खर्चा उठा रहे हो उसका, तुम उसके ऊपर मनी खर्च कर रहे हो, ये जो एटीट्यूड होता है ना हस्बैंड का, उसको नीचा दिखाने वाला होता है, इससे आपकी वाइफ आपसे कट जाती है। ये लड़कियां चाहती हैं कि उनका जो पति है उनको इक्वली रिस्पेक्ट दे और इक्वल समझे, उनको नीचा करके ना आके, कमतर करके ना आके। तो ये काम आप कभी ना करें। ये अक्सर जो पति हैं वो करते हैं अपनी वाइफ के साथ में, हर बार इस बात की धौंस दिखाई जाती है कि ये मेरा घर, तो नीचा ना दिखाएं अपनी पत्नी को। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपके घर में कभी अपना समझ के रह ही नहीं पाएगी, और जो चीज़ हमारी नहीं है ना, उसकी हम कदर नहीं करते, उसकी हम इज्जत नहीं करते, उसको हम संभालते नहीं हैं। अगर आपकी वाइफ के अंदर ये फील ही नहीं है कि वो घर उसका है, तो वो क्यों ही संभालेगी आपके घर को? वो उस घर को तभी संभालेगी जब उसके अंदर ये फील आएगा कि ये घर मेरा है, ये लोग मेरे हैं, तो उसके अंदर ये फील डाल के रखिए कि जो भी है वो उसका है, तभी वो संभालेगी। अगली चीज़, हर एक लड़की अपने पार्टनर से इक्वालिटी चाहती है। वो ज़माना गया जब आप अपने पार्टनर को छोटा करके दिखाते थे कि आप कितने महान और वो कितना कम, आपने क्या क्या कर दिया उसके लिए। जब आप इस तरीके का बिहेव करते हैं ना, तो आपकी जो पार्टनर है वो चाहे आपकी वाइफ है चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपसे कट जाएगी। इक्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एट प्रेजेंट टाइम। अगर आप अपनी वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड को
छोटा करते हैं, छोटा महसूस करवाते हैं, इक्वालिटी नहीं है उस रिश्ते में, तो वो पार्टनर आपके साथ में नहीं रहने वाली। इक्वालिटी चाहिए ही चाहिए लड़कियों को अपने पार्टनर से। इसके साथ अपनी पार्टनर को ये ज़रूर फील करवाएं कि वो आपके लिए कितने स्पेशल है। देखिए, आप बहुत सारी औरतों को जानते होंगे, बहुत सारी लड़कियों को जानते होंगे जो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। सो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जो आपकी विमेन है उसको फील करवाएं कि वो आपकी है, वो सबसे ज़्यादा स्पेशल है। ये फील तो उसको देना पड़ेगा, और ये चीज़ें लड़कियों को अच्छी लगती हैं जब आप उसको ये बताते हैं कि बाकी सब एक तरफ और वो एक तरफ। लड़कियों को साथ ही साथ ये भी चाहिए कि उनका जो पार्टनर है वो ओपन माइंडेड हो, वो नैरो माइंडेड ना हो, वो छोटे दिमाग का ना हो, जो हर चीज़ पर रोक टोक करे, इससे बात मत करो, यहाँ मत जाओ, इतने बजे बाहर नहीं घूमना, ऐसा नहीं करना, ये मत खाओ, वहाँ पर क्यों खड़ी हो, इससे क्यों बात कर रही हो, इस तरह की जो रोक टोक है, जो बंदिशें हैं, लड़की नहीं चाहती उसके पार्टनर उसके साथ में करे। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप दूर रहें अगर आप चाहते हैं आपका पार्टनर आपके साथ में खुश रहे। ये लड़कियाँ चाहती हैं अपने पार्टनर से वो फ्रीडम चाहती हैं, वो नहीं चाहती उनके सर पे बैठ के कोई 24 घंटे उनकी जासूसी करता रहे। अगर आप उसकी जासूसी ही करना चाहते हैं, आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, तो आप साथ में हैं क्यों, छोड़ दीजिए। अगर ट्रस्ट है तो फिर ट्रस्ट करिए, उस पर शक मत करिए। तो दोनों में से एक काम कीजिए, या तो आप साथ में हैं या तो आप छोड़ दें, लेकिन साथ में होकर आप उसके सर पे सवार हो जाएं, ये काम कतई ना करें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में या फिर अपनी वाइफ के साथ। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक लड़की अपने पार्टनर से ज़रूर चाहती है। अगर आप इस तरीके के हैं तो आपका पार्टनर आपके साथ में खुश रहने वाला है। बट अगर आप ऐसे नहीं हैं तो जो आपका रिश्ता है वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगा, और अगर रिश्ता चलेगा भी तो आपका पार्टनर आपसे खुश नहीं रहेगा, वो खुश नहीं रहने वाला। तो इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखिए। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ। मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी कॉल बुक करने में, ये कॉल पेड होगी। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आंसर दूँ, तो वो सवाल, वो प्रॉब्लम आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है diltuxdaily@gmail.com। ये वीडियो मैं अपलोड करती हूँ वेनसडे को, वेनसडे वीडियो में हैशटैग मेरा सवाल वीडियो। नाउ मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।